हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है, संबंधित अक्षर चुनना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क हमारा दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, एन ओ पी क्यू का संबंध पी एम आर ओ से है, तो ए बी सी डी का संबंध किससे होगा, ये हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो पहले क्या करेंगे, आप इन अक्षर को अंक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अंक में कन्वर्ट करने का मतलब है ए कि ए बराबर एक, बी बराबर दो। ये कैसे, देखिए दोस्तों, क्योंकि ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ए हमारा एक नंबर पड़ता है, बी हमारा दो नंबर पड़ता है, सी हमारा तीन नंबर पर, डी हमारा चार नंबर, जेड हमारा 26 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले से अंक में कन्वर्ट करेंगे। आपको अंक में से नहीं कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि ए बी सी डी में जो 26 अक्षर होते हैं उनको याद करना होगा कि यन यन किस नंबर पड़ता है, हमारा 14 नंबर पड़ता है। तो हम चलिए इसे बदल के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारा किस नंबर पड़ता है, 15, और पी 16, क्यू 17। ठीक है, क्या हो गया, 14 15 16 17। ठीक है, अब इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं पी एम आर ओ को, तो पी हमारा किस नंबर पे हो जाएगा, 16, एम हमारा 13, आर हमारा 18, ओ हमारा 15। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या किया है, पी सॉरी एन और पी में देखिए क्या किया, एन में दो जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, पी हो गया है। क्या किया, एन में ए दो जोड़ दिया है तो पी हो गया है। क्यों, क्योंकि एन हमारा 14 नंबर पड़ता है, पी हमारा 16 नंबर पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए ओ और यम, ओ या और यम में क्या किया है कि देखिए ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है, यम हमारा 13 नंबर पे, तो ओ में से -2 कर दिया है तो कितना हो गया, 13 हो गया है। ठीक है, पहले क्या किया, +2 जोड़ा, उसके बाद -2 घटाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ में देखिए ओ वाले में क्या किया है कि यहाँ पर आर आ गया है। ठीक, यहाँ पर 18 है और पी हमारा 16 नंबर पे है, तो 16 में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 18। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 18, आर 18। ठीक है, उसी प्रकार आप क्यू का भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्यू क्यू का क्या हो जाएगा कि क्यू हमारा किस नंबर पड़ता है, 17, और ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि 2 माइनस करेगा तो हमारा आ जाएगा 15। पहले 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया, तो हमारे संबंधित संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कर लेंगे, ए बी सी डी यानी कि ए हमारा एक नंबर पड़ता है, बी हमारा दो नंबर पड़ता है, सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, डी हमारा चार नंबर पड़ता है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए बी सी डी तो क्या कर, क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले 2 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पहले 2 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 नंबर पे क्या पड़ता है, सी पड़ता है। ठीक है, सी देखिए दोस्तों, सी आ गया हमारा। ठीक है, हमने एक अक्षर को ज्ञात कर लिया, अभी 3 अक्षर को ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सी किस किस ऑप्शन में दिया है, ए बी डी, सी में नहीं दिया है तो सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि बी में से 2 माइनस करेंगे, बी में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा, जहाज है 0 होगा। ठीक है, लेकिन ये किस नंबर पड़ेगा, 26 नंबर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जेड हमारा 26 नंबर पड़ता है और ये जेड हमारा लास्ट संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, तो सी जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया, सी जेड, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सी में आप क्या करेंगे दोस्तों, सी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी में आने की 3 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जेड हो गया। अब यहाँ पर ई हो जाएगा, सी जेड ई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई। अब उसी प्रकार डी में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस किया है तो यहाँ पर भी 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, सी जेड ई बी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है, संबंधित अक्षर चुनना है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एफ एच ई जी का संबंध जे एल आई के से है, तो पी आर ओ क्यू का संबंध
किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसे पहले इसे क्या करेंगे, अंक में कन्वर्ट करेंगे। अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ हमारा 6 नंबर पड़ता है, ठीक है, और एच हमारा 8 नंबर पड़ता है, ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, जी हमारा 7 नंबर पड़ता है, ठीक है। इसे तो हमने अंक में कन्वर्ट कर लिया, अब इसे कन्वर्ट करते हैं, जे जी हमारा 10 नंबर पड़ता है, ठीक है, और यल हमारा 12 नंबर पड़ता है, आई हमारा 9 नंबर पड़ता है, कि हमारा 11 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, एफ हमारा 6 नंबर पे है और जी हमारा 10 नंबर पे है, तो क्या किया, एफ में 4 जोड़ दिया तो क्या हो गया है, 6 हो गया है। एफ में 4 जोड़ दिया है तो 6 हो गया है। इस प्रकार एफ में क्या किया, 4 जोड़ दिया, 6 हो गया। तो एच में क्या करेंगे, एच में भी क्या किया, एच में भी 4 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, यल हो गया है, ठीक है, क्योंकि एच हमारा 8 नंबर पड़ता है और यल हमारा 12 नंबर पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ई में हम क्या करेंगे, ई में भी हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9। तो आई हमारा किस नंबर पड़ता है, 9 ही नंबर पड़ता है, ठीक है, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे। अब जी में क्या करेंगे, जी में भी हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। अगर जी हमारा 7 नंबर पड़ता है तो के हमारा 11 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसका संबंध इस प्रकार था, किस प्रकार, सब संख्याओं में, ठीक है, 4-4 जोड़ता चला गया, यानी कि 6, 8, 5, 7 में सब में 4-4 जोड़ता गया, तो 10, 12, 9, 11 प्राप्त हो गए, यानी कि जे एल आई के, ठीक है। उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, पी आर ओ क्यू, ठीक है, इसका संबंध किससे होगा, यही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, पी हमारा किस नंबर पड़ता है, 16 नंबर पड़ता है, ठीक है, और यार हमारा 18 नंबर पड़ता है, और ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है, और क्यू हमारा 17 नंबर पड़ता है। क्या हो गया, इसे अंक में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, पी यानी कि पी में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20। अब 20 नंबर क्या पड़ता है, टी, देखिए दोस्तों, टी हमारा पहली संख्या क्या गई, टी, किस ऑप्शन में दिया है, टी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टी, और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी और डी, तो दो ऑप्शन बचे हुए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं, क्या हो गया, आर, आर में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 नंबर क्या पड़ता है, वी पड़ता है, ठीक है, वी पड़ता है, देखिए दोस्तों, बी आ गया, दोनों ऑप्शन में दिया है टी वी, ठीक है, टी वी दोनों ऑप्शन में दिया है। तो अब क्या करेंगे, ओ वाले ज्ञात करते हैं, ओ में हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 नंबर क्या पड़ता है दोस्तों, यस पड़ता है, क्या पड़ता है, यस। देखिए दोस्तों, क्या गया, टी वी एस, किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इससे भी सॉल्व करते हैं, क्यू, क्यू हमारा किस नंबर पड़ता है, 17, 17 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 किस नंबर पड़ता है, यू, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है टी वी एस यू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है हमें, इसमें भी संबंधित अक्षर चुनना है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ए सी ई का संबंध एफ एच जे से है, तो ओ क्यू एस का संबंध किससे होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए हमारा किस नंबर पड़ता है, 1 नंबर पड़ता है, और एफ हमारा किस नंबर पड़ता है, 6 नंबर पड़ता है, तो क्या किया है, 1 हो गया यहाँ पर और 6 हो गया यहाँ, तो क्या किया है, 1 में 5 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है, यानी कि ए में क्या किया है, 5 जोड़ा है तो एफ हो गया है 6 नंबर। तो सी हमारा 3 नंबर पड़ता है, तो सी में क्या किया है, सी में भी 5 जोड़ा है तो कितना हो गया है, 8 हो गया है, 8 नंबर पर क्या पड़ता है, एच पड़ता है, ठीक है, 8 नंबर पर एच पड़ता है, तो क्या क्या इसमें भी 5 जोड़ा है तो यहाँ पर 8 हो गया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई दिया हुआ है, ठीक है, ई में क्या किया है, ई में ई हमारा किस नंबर पड़ता है, 5 नंबर पड़ता है, ठीक है, और जी हमारा 10 नंबर पड़ता है, तो ई में भी क्या किया है, 5 जोड़ दिया है तो 10 हो गया है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जी आ गया है, यानी कि ए सी ई का संबंध एफ एच जैसे इस प्रकार था, किस प्रकार, सब में 5-5 जोड़ते चले गए तो हमारी क्या एफ एच जी अच्छा प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, ओ क्यू एस को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ओ हमारा किस नंबर पड़ता है, 15 नंबर पड़ता है, और क्यू हमारा किस नंबर पड़ता है, 17 नंबर पड़ता है, और एस हमारा किस नंबर पड़ता है, बताइए यस हमारा किस नंबर पड़ता है, 19 नंबर पड़ता है, ठीक है, 19 नंबर पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, 15 में क्या करेंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 नंबर पे क्या आता है दोस्तों,
टी, ठीक है, क्या आता है, टी आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, टी हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, क्यू में, क्यू में हम क्या करेंगे, पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, क्यू में हम टी जोड़ेंगे, सॉरी, क्यू में हम पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और 22 नंबर क्या पड़ता है दोस्तों, वी पड़ता है, क्या, वी पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि यस में भी हम पाँच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 में हम 5 जोड़ेंगे कितना, 24। और 24 नंबर पे क्या पड़ता है दोस्तों, यक्स पड़ता है, तो क्या आ जाएगा, टी वी यक्स। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका संबंध किस प्रकार था, सब अक्षर में 5-5 जोड़ते गए तो हमारा संबंध प्राप्त हो गया, ठीक है। तो टी वी यक्स आया तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें भी संबंधित अक्षर चुनना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया, ए सी ई जी का संबंध बी डी एफ एच से है, तो सी ई जी आई का संबंध किससे होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ए और बी, देखिए यहाँ पर दिया है ए, यहाँ पर दिया है बी, तो क्या क्या, ए हमारा एक नंबर पड़ता है, और एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और दो नंबर पर हमारा बी पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी, सी और दिया है और डी दिया है, तो सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चार नंबर पे हमारा डी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ई में, ई में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छः, ई हमारा पाँच नंबर पड़ता है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो छः हो जाएगा, छः नंबर क्या पड़ता है, एफ पड़ता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जी, जी हमारा किस नंबर पड़ता है, सात नंबर पड़ता है, और सात में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आठ, तो देखिए दोस्तों आठ हमारा आ गया, यहाँ पर एच, एच नंबर पे हमारा आठ पड़ता है, ठीक है। तो इसका संबंध किस पर करता था, इन, इसमें ए सी ई जी में एक एक जोड़ते चले गए तो हमारा संबंध प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, सी हमारा किस नंबर पड़ता है, तीन नंबर पड़ता है, अगर तीन में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चार नंबर पे क्या पड़ता है, डी, क्या पड़ता है, डी। देखिए दोस्तों, किस किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी में दिया हुआ है डी, और बी और सी में नहीं दिया है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो बचे दो ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ई, ई हमारा किस नंबर पड़ता है, पाँच, और पाँच में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छः। देखिए दोस्तों, छः नंबर पर क्या पड़ता है, एफ, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, डी एफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, और डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे क्या, दो अंक सॉल्व किया तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी, जी में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ नंबर क्या पड़ता है, एच पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एच। और यहाँ पर क्या दिया, आई, आई में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दस, दस हो जाएगा ना, ठीक है, दस हो जाएगा, तो दस नंबर पे क्या हो जाएगा, जे, तो क्या आ गया, डी एफ एच जे। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या करना है, इसमें संबंधित संख्या चुनना है, ठीक है। इसके पहले हमने अक्षर चुन रहे थे, अब क्या करना है, संख्या चुनना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 68 का संबंध 130 से है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध किस प्रकार 350 से हो गया है, यही हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 130 और 68 दिया है, तो क्या कर लेते हैं, 130 में से अगर माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 62 में क्या करेंगे, 6+2 कर देंगे, 62 के बीच प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका संबंध इस प्रकार है, तो क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, 350 में से माइनस 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और इनको आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा, ठीक है। तो क्या लाना हमें, 8 लाना है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन 2 को सॉल्व करते हैं, यानी कि बी को सॉल्व करते हैं, 350 में से अगर माइनस 222 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, कितना आएगा, 128 आ जाएगा। इसे आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 8 11 होगा। देखिए दोस्तों हमें क्या लाना है, 8 लाना है, ठीक है, 8 लाना है। तो अब क्या करेंगे कि 350 में सी वाले को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन ए बी दोनों गलत हो गए, अब सी वाले को सॉल्व करेंगे, 350 में से माइनस 216 करेंगे, ठीक है, 216 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 134, कितना आ जाएगा, 134। अब इसे आपस में जोड़ देते हैं, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, कितना आ गया, 8। देखिए दोस्तों
किसका 350 का संबंध किससे 216 से है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा 216, क्योंकि देखो दोस्तों 216 में 350 में से 216 माइनस किया तो कितना आ गया 134, और इनको आपस में जोड़ लिया तो कितना आ गया 8, इस प्रकार इसका संबंध था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी संबंध हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 216, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।